दोस्तों आज की जगह को क्वेरिम बीच कहते हैं, इसको क्वेरिम बीच भी कहते हैं और कैरी बीच भी कहते हैं। ये गोवा का नॉर्थ पॉइंट का एक्सट्रीम डेड एंड बॉर्डर है। वो जो आप मेरे इस तरफ में पहाड़ देख रहे हो वो महाराष्ट्र है। तो ये बीच आगे यहाँ से अपना 100-200 मीटर आगे जाके जो ख़त्म होता है वहाँ से महाराष्ट्र शुरू होता है। ये एक हाई टाइड बीच है, अभी हाई टाइड का टाइम चल रहा है। और उस साइड जो आप देख रहे हो वहाँ देखिए ऊपर में पैराग्लाइडिंग चल रहा है, और वो बेसिकली क्लिफ से जंप करने वाला पैराग्लाइडिंग है। आपको नॉर्मल जो बागा कैलंगूट में जो समुद्र के ऊपर पैराशूट लेके आप देखते हो वो बोट के साथ में बंधा होता है, वो थोड़ा लेस एडवेंचरस है। और ये जो आप देख रहे हो ये डायरेक्ट क्लिफ से पहाड़ के ऊपर से पैराशूट पकड़ बांध के जंप करते हैं, ये थोड़ा हाई एडवेंचरस कैटेगरी वाला गेम है। अभी वो जो पहाड़ का एंड वाला जो बीच का साइड है वहाँ पे एक केव है, उसको क्वेरिम केव कहते हैं। तो हम बेसिकली महाराष्ट्र बॉर्डर पे गोवा के एक्सट्रीम नॉर्थ पॉइंट के डेड एंड पे आए हैं वो क्वेरिम केव देखने के लिए। तो अभी हम इसके बाद उस केव में जाएंगे। ये छोटा सा बीच है, यहाँ पे अभी हम मई के महीने में है। ये आप एक शैक देख रहे हो और ये दूसरा शैक है, उसके पीछे एक तीसरा शैक है, ऑलमोस्ट उतना ही है ये। तो ये काफ़ी लेस क्राउडेड बीच में से एक है गोवा का, यहाँ पे ज़्यादा क्राउड कभी नहीं होता। और क्या कहते हैं, आपको थोड़ा ज़्यादा ड्राइव करना पड़ेगा। गोवा का जो सेंटर पॉइंट है जैसे कैंदलिम हो गया, पंजिम हो गया, वहाँ से ये ऑलमोस्ट 2 आवर्स या क्वार्टर टू 2 आवर्स के आसपास का ड्राइव है महाराष्ट्र बॉर्डर पे। अगर आपको एकदम गोवा का शांत वाला साइड चाहिए और मतलब जहाँ पे ज़्यादा क्राउड नहीं हो, ज़्यादा मूवमेंट नहीं हो, ज़्यादा लाउड म्यूज़िक नहीं हो, अपने फैमिली के साथ आप टाइम स्पेंड कर सके, वैसा वाला अगर आपको बीच चाहिए तो यहाँ पे आइए क्वेरिम बीच पे, ठीक है। और यहाँ पे अभी मैं केव पे जा रहा हूँ, तो केव का अलग से मैं वीडियो लॉग डाल बना के यूट्यूब में डालूंगा मैं। आई सी यू सून।